ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटी को आप इंडिया इनवाइट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करिए, हमारे यहाँ लगाइए, उनकी कल्चर को, उनके सिलेबस को, उनके पढ़ाने के तरीके को, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये आपको लगता है कि इंडिया में जितना देश बड़ा रहा है तो फॉरेन यूनिवर्सिटी को यहाँ बुला करके आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को समझते हैं कि इन्फीरियर हैं, क्वालिटी की इंफॉर्मेशन एजुकेशन नहीं दे सकते वो लोग क्या? देखिए प्रभु जी, देखो चीज़ों को ऐसे छोटे पर्सपेक्टिव में आप जैसे बड़े आदमी कैसे दिख सकते हैं? मैं छोटा, आप नहीं दिख सकते हैं। मैं आपको दो चीज, हम मैं ये तो समझता हूँ हम इंडिया बहुत बड़ा है, बाकी जगह से मेरा ये है कि भारत सबसे ज्ञान की ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके अंदर बाहर वाले आते हैं। हमें हमारी हमारे मन में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कभी नहीं है। हमने बाहर ले जाने के पहले अगर आप हैं, देखो कहने से नहीं होता है, करने से होता है। और आइडिया किसी की, आपको आप तो उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगाए, मैं तो उस प्रश्न का गुनहगार हूं कि आप तो छोटे आइडिया वाले लोग हों। मैं आपको दो उदाहरण बताता हूं। हम फॉरेन यूनिवर्सिटी रेगुलेशन UGC अभी ऑन प्रोसेस है, जल्दी ले आएगा। हम विश्व की अच्छे विश्वविद्यालय को भारत ले आना चाहते हैं, हमारी शर्त पे, हमारी शर्त पे। क्यों? उसकी मैं उत्तर दूंगा, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। उसके पहले हमने भारत की दो विश्वविद्यालय स्तर की इंस्टीट्यूशन को विदेश ले गए। IIT चेन्नई अफ्रीका गया है, अफ्रीका की सरकार के खर्चे से तंजानिया गया है, अब तंजानिया के खर्चे से। UAE अबू धाबी IIT दिल्ली गया है। वहां से कोई आने के पहले हमारे लोग वहां गए पहले। एक मैं एक बताता हूं, जापान, कभी कभी मैं एक सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के नाते मेरे मन में एक जिज्ञासा कई दिनों से मेरे जब हेतु हुई तब से चल रहा है, जापान को स्टडी करनी चाहिए। जापान इतने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रगति क्यों किया? जापान, जिस जापान को के ऊपर एटॉमिक बम डाल के विश्व के कुछ ताकतवर देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म किया, वो जापान अभी इतने शांत हुआ है, स्वभाव में शायद नम्र हुआ होगा लेकिन बुद्धि में उतना ही तीक्ष्ण है कि विज्ञान और डेवलपमेंट में क्वालिटी की दूसरे नाम मेड इन जापान हो गया है। क्या उस प्रकार के प्रोसेस को भारत की इकोसिस्टम पे ले ही लाना चाहिए? क्या विश्व की साइंटिफिक डेवलपमेंट को भारत के विद्यार्थियों को वंचित करना चाहिए? आज भी भारत के लगभग 10 लाख विद्यार्थी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। भारत में 4 करोड़ हायर एजुकेशन वर्टिकल में स्टूडेंट है। क्या उनको भी वैश्विक स्तर पे जो साइंस टेक्नोलॉजी सोशल साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है उसकी नॉलेज शेयरिंग करने के अवसर हमें नहीं देना चाहिए? और भारत कभी ना किसी से प्रभावित होने वाला है ना किसी को आक्रमण करने वाला है। ज्ञान की दृष्टि से हमें परहेज नहीं रखनी चाहिए। हमारे वहां तो विश्व के कई लोग आए थे ना पढ़ने के लिए, हम भी तो गए थे बाहर कहीं पढ़ने के लिए। ऐसे चीजों में मैं नहीं मानता हूं हम बाहरी विश्वविद्यालय को ले आने में हमारी कोई मूलभूत तत्व खराब हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं मानता हूं।